स्वागत है आपका न्यू ब्लॉग में दोस्तों। हम लोग आज आए हैं आगरा गुरु का ताल गुरुद्वारा घूमने के लिए, जो कि सिकंदरा के पास है। तो दोस्तों, जो मैं आपको पीछे दिखा रहा हूँ, ये आगरे का गुरुद्वारा है। काफ़ी सुंदर और काफ़ी बड़ा बना हुआ है। तो चलते दोस्तों गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए। सर ढकने के लिए व्यवस्था है। तो चलिए दोस्तों लंगड़ की तरफ चल रहे हैं हम। ये गुरुद्वारे का प्रसाद है दोस्तों, जिसे हम लोग ले रहे हैं। कैसा लग रहा है गुरुद्वारे में मत्था टेक के? अच्छा लग रहा है गुरुद्वारे में आके, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो यहाँ पर गुरुद्वारे में कितनी शांति है, कितना अच्छा लग रहा है। पूरा पंजाब लग रहा है एकदम। सही है, अच्छा लग रहा है ना दोस्तों। ये आगरे का गुरुद्वारा है, जो कि हमने पहली बार देखा है और देखने के बाद बहुत ही अच्छा लगा। हमने तो पहली बार देखा है दोस्तों, काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों आज हम आए हैं आगरा के गुरुद्वारे में। तो मैं एक यहाँ के कार्यकर्ता जी से बात करता हूँ, तो वो बताएंगे यहाँ पर आप कैसे आ सकते हो। तो सर जी आप बताइए, कैसे यहाँ पर लोग अगर मत्था टेकने आना चाहे तो वो कैसे आएंगे? आने के लिए तो देखो आने की, तो देखो बात यह है कि कोई भी धर्म हो, कोई भी किसी से कोई वो नहीं है, वो अंदर आए। सामने हमारे यहाँ जोड़ा घर बनाया हुआ है, उसमें ना ही तो कोई पैसा लगता है, कुछ नहीं है। जोड़े घर में अपने जूते जमा करें, जूते जमा करके चरण गंगा बनी हुई है, वहाँ अपने पैर धो के और दरबार साहब है सीधे, फिर दरबार साहब में जाके अपना मत्था टेके। मत्था टेकने के बाद लंगर सभी के लिए, भाईचारा सभी का एक है, किसी से कोई भेदभाव नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा जी, मैं यहाँ का एड्रेस पूछना चाहूँगा, अगर कोई यात्री बाहर का, यानी कि आगरा से बाहर का आना चाहे तो वो कैसे आएगा यहाँ पर? अगर किसी को भी एड्रेस बताना हो तो सीधे ही खुलना है, कोई ऐसी बात नहीं। गुरुद्वारा दुख निवारण गुरु का ताल आगरा। अच्छा। नाम है ये, पूरे वर्ल्ड में ही मशहूर है, यही नहीं पूरे वर्ल्ड में, कहीं पर ही बोल दो। थैंक यू सर। अब चलते हैं घर की तरफ।